हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नबीलास प्लेनेट। आज का व्लॉग जो है वो इवनिंग से शुरू हो रहा है। हम बीच पर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है आफ्टरनून तक का होगा। मैं इसमें जो है कीमे के पराठे की जो रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी, तो आप जो एंड तक बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। ये देखिए, हम जो है बीच पे, शाम का टाइम हो रहा है, अराउंड 5:30 हम जो निकल गए थे बीच के लिए, करीब था हमारे घर से, तो हम जल्दी पहुंच गए थे वहां पर। 5:30 तक हम पहुंच गए थे। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, व्यू बहुत अच्छा। रोड जो रास्ता था ना, वो बहुत प्यारा था सर। बनाना ट्रीज़ और कोकोनट ट्रीज़ वगैरह बहुत सारे ट्रीज़ थे, और अच्छे अच्छे सबके बंगलोज़ थे। बहुत प्यारा लग रहा था, रास्ते से लग रहा था हम मिनी गोवा टाइप के जो है एक प्लेस पर आ गए, तो बहुत मज़ा आया था रास्ते पर। और देखिए, यहाँ पर सनसेट भी जो है बस होने ही वाला है, हम एक बिल्कुल सही टाइम पर जाने वाले हैं। हम पहुंच भी गए हैं बीच पर। बीच पर पहुंचे, पानी काफ़ी पीछे था, तो हम जो है कार भी जो ऑलमोस्ट बीच पर ही हमने पार्क कर दी थी, और जो है पानी काफ़ी पीछे जा चुका था। यहाँ देखिए, बच्चे भी अपने टॉयज़ जो है सैंड के वो लेकर भाग रहे हैं आगे पानी की तरफ। उन्होंने बहुत इंजॉय किया, बहुत टाइम बाद हुए ऐसे बीच पर आए थे, तो उनको बहुत मज़ा आया, फुल इंजॉय किया उन्होंने। वेव्स के साथ उन्होंने खूब खेला है। देखिए, अशास तो यहाँ क्रिकेट खेल रहा है। बहुत बहुत इंजॉय किया ये लोग ने, और बहुत सारे फिश क्रैब वगैरह देख रहे थे, पकड़ रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए उनको। ये देखिए, बहुत अच्छा क्लीन बीच था, और क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, तो अच्छा लग रहा था। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे फ्रीली। देखिए, यहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शायद कुछ मिल जाए। क्राई देख रहे हैं ना, बाहर डॉट डॉट आ गए, तो उनको लग रहा है कि यहाँ पर फिश वगैरह होंगे या क्रैब मिल जाएंगे, तो वही वो ढूंढ रहे थे। बीच पर से आने के बाद जो है हम घर चले गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पर बीच पे से आओ तो जब कितना ज़्यादा उनके टॉयज़ गंदे थे, वो क्लीन करना था। बच्चे गंदे हो गए, तो उनको नहलाया, क्लीन किया, सब चीज़ों में टाइम भी चला गया था ज़्यादा, तो फिर उसके लिए मैंने डिनर जो है घर पे प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए हम जो है डिनर के लिए बाहर ही चले गए थे। घर के पास में रेस्टोरेंट था, वहीं चले गए हम डिनर करने के लिए। तो बच्चे भी बोल रहे थे बाहर ही खाना है, उनको सिज़लर खाना था, बस हमने जो है वही सिज़लर ऑर्डर कर लिया था। बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत टेस्टी भी था। ये देखिए, नेक्स्ट डे जो है मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है मटन का कीमा ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा फैट होना चाहिए। मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपसे, कीमे के पराठे, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनते हैं। आप मेरी तरह इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो। इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आप और चिलीज़ डाल सकते हो, अगर आपके पास पीसी हुई होगी तो भी चलेगी। या मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून, या रेड चिली पाउडर चला जाएगा इसमें। स्पाइसी आप अपने हिसाब से जितना चाहे जैसे रख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला, थोड़ा सा ही डालना है गरम मसाला, और सॉल्ट डाल देंगे आपके टेस्ट के हिसाब से। ये सब चीज़ें डाल के हम जो है ना इसे अच्छे से एक मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक मैरिनेशन ये रेडी हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जो है हमको बारीक जो है अनियन चॉप करनी होगी, और धनिया पत्ती वो हमें बिल्कुल बनाने के टाइम जो है हम डालेंगे। इसको मैंने आधा घंटा मैरिनेट कर दिया था कीमे को पहले मसाले वगैरह के साथ में। प्याज मैंने इसलिए नहीं डाला था, वो टाइम में डालती तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता। मैंने प्याज को घस कर उसका पानी पूरा निकाल लिया है, दिख रहा होगा आपको, सूखा लग रहा है प्याज, तो मैंने उसका पानी अच्छे से जो है काच लिया था हाथ से। और अच्छी ज़्यादा हमको जो है धनिया पत्ती डालनी है, बस ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे, बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कीमे में फैट कम हो ना, जैसे सूखा सूखा कीमा हो, तो आप उसमें जो है 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून घी ज़रूर ऐड करिए, तो उससे जो है ना अच्छा सा टेक्सचर, और वो अच्छा सा लगता है खाने में, मज़ा आता है, टेस्टी से बटरी बटरी लगेगा आपको, थोड़ा सा सूखापन नहीं रहेगा आपके पराठे में। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है,
अभी अनियन और धनिया पत्ती डालकर आप टेस्ट, अगर आपको मिर्ची वगैरह टेस्ट कर लीजिए, नमक अगर कम ज़्यादा लगे डालने के बाद तो आप और ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए आटा भी गूंद लिया था। आटे में जो है फ्रेंड्स 60% आटा है और 40% इसमें मैदा मैंने ऐड करके जो है गूंद लिया था इस तरह से, तो इससे पराठा अच्छा लगता है। गेहूं का भी आप पूरा चाहे तो आटा यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा मैदा भी मिक्स करती हूँ तो इससे थोड़ा सा वाइट वाइट और टेस्ट भी अच्छा लगता है और अच्छा क्रिस्पी होता है जैसे, तो वो मुझे अच्छा लगता है उस तरह से बनाना आटा इसका। हम यहाँ पर जो है छोटी छोटी जो है हमको लोई, जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उसके हिसाब से ले लेना है आटा। को फीलिंग करने के लिए भी मैं पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा बेल लूँगी ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना, ताकि फीलिंग अच्छे से सब तरफ कीमे में आनी चाहिए। अगर वो हाथ में लेकर ही ना फीलिंग करो तो वो मुझे नहीं जमता है। तो मैं क्या करती हूँ, आलू का पराठा हो, कीमे का, पनीर का, मैं ऐसे पहले छोटी रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं जो इसमें फीलिंग्स ऐड करती हूँ। फीलिंग आपको जैसी चाहिए, आप कम डालते हो ज़्यादा डालते हो वो हिसाब से लो। मैं तो थोड़ा अच्छे से डाल देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं, हस्बैंड भी शौक से खा लेते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कि कीमा निकाल देंगे, बच्चे भी शौक से कीमे का पराठा, कीमे की सारी चीज़ें ये बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे मैंने देखी लोई इस तरह से बनाने के बाद उसको अच्छे से पैक कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा जो आटा होगा ना वो निकाल दूंगी मैं। यहाँ पर इस तरह से जो पहले मैं सारी फीलिंग्स बना कर रख दूँगी, जितने मुझे पेड़े बनाने, जितने पराठे बनाने हैं वो हिसाब से पहले पहले पेड़े बना कर और फीलिंग्स के साथ में रेडी कर कर रख दूँगी। फिर उसके बाद में बस जो इसको बेलते रहना है एक तरफ और एक तरफ जो हमको सेकते रहना है पराठे को, तो उससे टाइम कम लगता है, फटाफट जो है बनने लगता है। बस खाने के टाइम जो है गरम गरम फ्राई करके देते जाना है बच्चों को, है ना। तो वो हिसाब से मैंने पहले वो रेडी कर लिया था। अब जो है बस धीमी आँच पर हमको जो है इसको फ्राई करना है क्योंकि कीमा जो है कच्चा होता है, तो आप ऐसा नहीं कि तेज़ आंच पे फटाफट रेड लाल करके हम उसको नहीं निकाल सकते। तो धीमी आंच पे आप पहले थोड़ी देर रखो, फिर उतारने के टाइम आप तेज़ आंच करके फिर उसको आप निकालोगे, तो ताकि अच्छे से कलर भी अच्छा आता है और अच्छे से पक जाएगा अंदर से, है ना। इस तरह से मैं जो है सारा रेडी कर लूँगी। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो और मेरा ये रेसिपी? अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।